ये जो ब्लैक बक हुआ है, ऐसी ऐसी कंपनियां ना, इनके अंदर सब फेक लोड रहता है। मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड जो है ब्लैक बक कंपनी ने किया है और केशव देव ट्रेडिंग कंपनी ने किया है। कम से कम मेरे को 1,00,000 रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। अभी मेरी ट्रांसपोर्ट टीवी को गुजारिश है कि मेरा ही इसमें हेल्प की जाए। दोस्तों, हमारी इंडस्ट्री के अंदर कई सालों से, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि कई दशकों से सिस्टम ये है कि अगर गाड़ी मालिक को गाड़ी के लिए लोड चाहिए तो उसे किसी ना किसी कमीशन एजेंट या बुकिंग एजेंट या जिसे आजकल हम ट्रांसपोर्टर बोल देते हैं उसके साथ संपर्क रखना पड़ता है। वही उसे लोड लेकर देता है। वो बताता है कि भाई यहाँ से वहाँ तक का लोड है, इतने पैसे लगेंगे, अपना कट लेकर वो उसको लोड दे देता है। या खास करके जब ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है, जब वापसी का लोड लेना होता है। लेकिन अब सिस्टम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। कुछ मोबाइल ऐप्स आ रही हैं, कुछ ऐसी कंपनियां आ रही हैं जो आपको प्रॉमिस करती हैं कि हम आपको लोड लेके देंगे, और दूसरी तरफ व्यापारी को ये प्रॉमिस करती हैं कि हम आपको गाड़ियां लेके देंगे सही रेट के अंदर। तो उन दोनों का मैच मेकिंग एक तरीके से कराने का ये ऐप्स काम करती हैं। कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, लेकिन जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो गाड़ी मालिकों को तजर्बे हो रहे हैं, वो कोई बीच बीच में ऐसी खबरें आते हैं, ऐसे केस आते हैं कि वो पहले के मुकाबले कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कहने का मतलब, जो प्रॉब्लम्स पहले थी कि कई बुकिंग एजेंट कोई दिक्कत होने के चक्कर में फ़ोन बंद कर लिया, रिस्पॉन्ड नहीं करा, वही चीज़ें अब इन ऐप्स के साथ भी हो रही हैं। कई सारी ऐसी कंप्लेंट्स लगातार ट्रांसपोर्ट टीवी पर आती रहती हैं। वैसा ही एक केस आज हम आपके सामने रख रहे हैं। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस केस से। तो पूरी कहानी क्या है, आखिरकार हुआ क्या इस गाड़ी मालिक के साथ, कैसे एक बड़ा नुकसान इस गाड़ी मालिक का हो गया है हाल ही में, बताऊंगा पूरी तफसील के साथ आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में आपको ढेरों चिंताएं हैं, लेकिन अब कम से कम अपनी गाड़ी के बीमे की चिंता छोड़ दें। अपनी गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से ही करवाएं। प्रीमियम आपको सबसे कम मिलेगा, पॉलिसी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, और क्लेम हॉटलाइन की सुविधा 24 घंटे मिलेगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें, या फिर 90831 पर अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। आप भरोसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, पंजाब के बोहर से हैं मनदीप सिंह, गाड़ी मालिक हैं। स्क्रीन पर गाड़ी नंबर देख सकते हैं। इनकी गाड़ी 10 नवंबर को श्रीनगर से सेब लेकर वेस्ट बंगाल के मालदा मेहंदीपुर बॉर्डर, वहाँ पर माल लेकर पहुँचती है। 15 नवंबर को वहाँ पर माल अनलोड भी कर देती है। 10 तारीख को चलती है, 15 तारीख को माल अनलोड हो गया मालदा वेस्ट बंगाल के अंदर। वहाँ से इनको वापसी का कोई लोड नहीं मिल रहा था, तो इन्होंने ब्लैकबक नाम की जो कंपनी है, जो ऐप के ज़रिए आपको लोड दिलवाती है, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने लोड बताया जो कि मालदा से तो नहीं था, बल्कि वहाँ से 300 किलोमीटर दूर धनबाद झारखंड से वो लोड था, कोयले का, कोयला लेकर धनबाद से मथुरा जाना था। तो जब कोई लोड नहीं मिल रहा था तो इन्होंने ये भी मान लिया कि चलो 300 किलोमीटर खाली गाड़ी चलेगी, पर क्या कर सकते हैं। तो ये इनकी गाड़ी धनबाद पहुंच गई अगले ही दिन, 16 नवंबर को गाड़ी वहां पर पहुंच गई लोड लेने के लिए कोयले का। वहां पर केशव देव ट्रेडिंग कंपनी थी जो जिम्मेवार थी, जिन्होंने लोड वहाँ से इनको देना था, किसी भट्ठे से, ईंटों के भट्ठे से कोयला उठाना था और फिर वो उसको मथुरा पहुँचाना था। गाड़ी 18-19 नवंबर को लोड हो गई, लेकिन जो फाइनल वेट वगैरह होना था उससे पहले ही जो केशव देव ट्रेडिंग कंपनी के जो वहाँ पर लोग आए वो गायब हो गए सडनली। वो कहीं आसपास नज़र नहीं आ रहे थे, इसलिए गाड़ी वहाँ से जो थी चल ही नहीं पाई। और जो भट्ठे का मालिक था उसने गाड़ी के कागजात पकड़ कर रख लिए। उसका कहना था कि माल पहले ही तुम लोगों ने मेरा जो है लोड कर लिया गाड़ी में, लेकिन मुझे इसकी कोई पेमेंट नहीं मिली है, कंपनी के साथ पेमेंट को लेकर कोई झगड़ा चल रहा है, इसलिए कागज़ यहाँ पर गाड़ी के पकड़ा दो। अब इनकी खींचातानी में, जैसे कि अक्सर होता है, दो व्यापारियों की खींचातानी में फंस गया गाड़ी मालिक। उसके जो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स थे वो भी भट्ठा मालिक ने पकड़ कर वहाँ पर रख लिए। पहले तो आप समझिए कि 300 किलोमीटर गाड़ी खाली आई है, उसके बाद 2 दिन में गाड़ी लोड हुई है, अब उसके बाद गाड़ी के डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए हैं। जब गाड़ी के कागजात भी व्यापारी ने पकड़ कर रख लिए तो मनदीप की सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई गाड़ी मालिक की। लगातार वो इस कंपनी की मिन्नतें करता रहा और ब्लैकबक कंपनी की मिन्नतें करता रहा, जिन्होंने लोड दिलवाया था कि मुझे यहाँ से निकालो, जहाँ तो मेरा माल अनलोड करो, मुझे जाने दो और मुझे हॉल्टिंग चार्जेज जो है वो पे करो।
इनका कहना यह है, मंदीप ने जो हमें बताया कि पहले तो शुरू में कंपनी रिस्पॉन्ड सही कर रही थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने मेरी बातों का जवाब देना बंद कर दिया। आखिरकार हुआ ये कि एक हफ्ते बाद लगभग 25 नवंबर के आसपास, 18 तारीख को ये गाड़ी लोड हुई थी, 18-19 को, 25 तारीख के आसपास कुछ लोग केशव ट्रेडिंग कंपनी के वहाँ पर आए और गाड़ी को अनलोड करा के चले गए। इसके बाद वो जो 7-8 दिन वहाँ पर गाड़ी खड़ी रही उसका क्या होगा, और उसके जो कागजात पकड़ कर रख रखे हैं व्यापारी के, उसका भी उन लोगों ने कुछ नहीं करा, बस अपना माल जो उन्होंने लिया था उससे वो अनलोड करा कर चले गए। लेकिन भट्ठा मालिक जो था वो अभी भी गाड़ी के कागजात देने को तैयार नहीं था। इसके बाद गाड़ी मालिक ने पुलिस में संपर्क किया, 2-3 दिन और लग गए, 28-29 नवंबर के आसपास उसके जो डॉक्यूमेंट थे गाड़ी के, जो कागजात थे, वो वापस मिले। कुल मिलाकर 16 तारीख को वो वहाँ पर पहुँचा था और 28-29 तारीख को वहाँ से वो फ्री हुआ। एक पैसे का धंधा नहीं हुआ, हर दिन का खर्चा हम लोग जानते हैं, अगर हम किस्त को बीच में डाल लें तो कितने का खर्चा है, यही गाड़ी मालिक का दर्द है। आप एक बार मनदीप की बात सुने ध्यान से, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ये जो ब्लैक बक हुआ, ऐसी ऐसी कंपनियाँ ना, इनके अंदर सब फेक लोड रहता है, ठीक है। ऐसे लोड पे कभी विश्वास ना करें और ना ही कभी ऐसा कोई लोड उठाएं। ये ब्लैक बक वाले हैं, इनके अंदर बहुत बहुत ठग आदमी बैठे हुए हैं, बहुत डिफॉल्टर लोग हैं जो इसमें फेक लोड डाल देते हैं। लेकिन ये फेक भी नहीं था, इन्होंने लोड भी करवाया, लेकिन लोड करवा के भी अनलोड करवा दिया हमारा माल। तो मेरा पूरा 13 दिन गाड़ी को पूरा परेशान किया। अब 13 दिन के अंदर मेरा गाड़ी वहाँ से बाद में इलाहाबाद खाली आके लोड हुआ है, ठीक है। तो कहाँ मालदा से गाड़ी चली है और 1100 किलोमीटर आके गाड़ी लोड हुई है मेरी इलाहाबाद में आके। तो 1100 किलोमीटर खाली चलने के बाद आप देख लीजिए कि कितना डीजल, 300 लीटर डीजल फूक गया, उसके बाद टूल टैक्स लगे हैं, सब कुछ। कम से कम मेरे को 1,00,000 रुपए का इसमें नुकसान हुआ है। कम से कम एक ट्रिप मेरा पूरा का पूरा चला गया, 13 दिन गाड़ी रुकी है और उसके बाद 30-40 हज़ार रुपये का खर्च करके गाड़ी इलाहाबाद पहुंची है। और मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड जो है ब्लैक बक कंपनी ने किया है और केशव देव ट्रेडिंग कंपनी ने किया है। और आप प्लीज़, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ऐसी कंपनियों से कभी भी माल लोड मत उठाएं, कभी भी बुक ना करें। और इनका सब फेक, बिल्कुल डिफॉल्टर है, बिल्कुल भी ऐसा लोड कभी मत उठाएँ, ना ही ये बाद में कोई बात सुनते हैं। अभी मेरी ट्रांसपोर्ट टीवी को गुजारिश है कि मेरा ही इसमें हेल्प की जाए। तो दोस्तों, मनदीप ने आपको पूरा बताया कि किस तरीके से पहले तो 300 लीटर डीजल उसका फूक गया, इतने दिन फूक गए, गाड़ी की किस्त भी बताया जा रहा है टूट गई इन बिटवीन, और 70-80 हज़ार रुपये का टोटल लॉस हो गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि इतनी देर में एक और चक्कर कहीं से लग जाता और कमाई भी हो जाती है। अब कमाई भी नहीं हुई, एक्स्ट्रा खर्चा भी हो गया, और कोई जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। ना तो आप व्यापारी का कुछ कर सकते हो, ना जिसने बुकिंग कराई जिस ऐप ने उसका कुछ कर पा रहे गाड़ी मालिक। दोस्तों, यहाँ पर यह भी बता दूं कि हमारी टीम ने ब्लैक बक से बात करने की कोशिश की उनकी कस्टमर केयर के जरिए, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब हमें इस केस में नहीं मिला। तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जो बुकिंग ऐप्स आ रही हैं, जो ये नई कंपनीज आई हैं जो मैच मेकिंग कराती हैं आपकी ऐप के ज़रिए, क्या उससे गाड़ी मालिक को कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्या उसके हालात पहले से बदल रहे हैं या नहीं। लोड मिल गया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस केस में कोई डिस्प्यूट हो गया वो ऐसा लगता है कि उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। अभी भी वहाँ पर व्यापारी का पलड़ा ही भारी है, गाड़ी मालिक को कोई रिलीफ नहीं है। ये एक बहुत दुख की बात है कि ये जो नया सिस्टम है उससे गाड़ी मालिक को कोई बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा उसका जो है वो गाड़ी मालिक को नहीं हो रहा। आपकी क्या राय है इसको लेकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में है ट्रांसपोर्ट सेक्टर का सबसे बड़ा न्यूज चैनल ट्रांसपोर्ट टीवी, मुसीबत के समय आपका साथ देने वाली देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन, और वाहन बीमा की भरोसेमंद सेवा जो सिर्फ 30 मिनट में आपको दे सही पॉलिसी सही प्रीमियम के साथ। तो देर न करें, अभी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। ट्रांसपोर्ट टीवी पर देखना चाहते हैं हर दिन 3 गुना खबरें, तो ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर। 3 गुना खबरें यानी 3 गुना जानकारी, 3 गुना लाभकारी। आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप।